आज राज्यसभा में बजट में ओबीसी की भागीदारी को लेकर चर्चा करते समय सांसद घनश्याम तिवारी कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, तभी एक सदस्य ने जाटों के ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दा उठाया। इसी अवसर पर उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने जाट आरक्षण के संघर्ष से जुड़े अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मुझे जाट होने पर गर्व है। मैं जाट आरक्षण की 6 सदस्यीय समिति से जुड़ा हुआ था और उसका प्रमुख प्रवक्ता था। अटल सरकार के दिनों की याद करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह उस समय राजस्थान के जाटों को पहले केंद्र में और फिर राजस्थान में ओबीसी आरक्षण प्रदान किया गया। मैं सदन को ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि आवश्यकता नहीं पड़ी कभी ये कहने की, पर कह रहा हूं कि मैं जाट जाति से हूं एंड आई एम प्राउड टू बिलोंग दिस कास्ट। और यह जाति राजस्थान में ओबीसी में है एंड सेंट्रल स्टेट पर भी ओबीसी में है। नहीं, मैं जानता हूं आपने रिश्तेदारी की ये सोचकर किया है, तो मैं आप तो जाटों से वाकिफ हैं। सभापति महोदय, सदन को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि ये जाति राजस्थान में ओबीसी में है और सेंट्रल लिस्ट में भी ओबीसी में है। राजस्थान के जाटों को ओबीसी आरक्षण दिलाने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस तरह लंबी कानूनी लड़ाई में भी अपना योगदान दिया, इसकी यादें भी उन्होंने अपने वक्तव्य में कही। एक बात और बताना चाहता हूं, घनश्याम तिवारी जी को पता होगा मैं जाट आरक्षण समिति से जुड़ा हुआ था, मैं उसका प्रमुख प्रवक्ता था और हम 6 सदस्यीय कमेटी थी। हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से मिले और जो कहा सो हो गया, पर जो ही दिल्ली से जारी हुआ तात्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जैसलमेर बाड़मेर में थे, वो ताबड़तोड़ से हवाई जहाज से आए और इस कर दिया स्टेट लेवल के ऊपर। राजस्थान वो प्रांत है जहां जाटों को पहले सेंट्रल लेवल पर मिला, स्टेट पर बाद में मिला। और मैं तो उस पार्टी का सदस्य रहा हूं, तब आपकी पार्टी थी और मेरी पुरानी पार्टी थी, तो समझ गए ना मेरी बात है। और फिर सुनिए, उसमें भी कुछ कानूनी खामी रख दी तो मुकदमा कई साल तक चलता रहा। वकालत की मैंने उच्च न्यायालय में, उस बारे में निर्णय करनी पड़ी। पर कितनी कमी रख दो चाहिए, किसान चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा, ऊपर वाले की कृपा है।